हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशांत सिंह, क्वांट 99.48 परसेंटाइलर। इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी विल लर्न परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस टॉपिक एंड वी विल नॉट लर्न अ डीपर कॉन्सेप्ट इनटू दिस वीडियो। वी विल लर्न अ बेसिक स्टफ अबाउट परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो फॉर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस देर आर सम ट्रिक्स एंड टर्मिनोलॉजी and we have to learn those tricks and terminology so that we can solve easily profit loss question and reduce our calculation time, calculation error. So stick with the video and watch till end. I promise you, you will learn something new concept into this video. And if you like my content, then please do subscribe my channel and also share with your friend. So स्टार्ट करते हैं फोर कॉन्सेप्ट। सो अब आते हैं परसेंटेज। लाइक व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज पर सेंट मींस 100, पर 100, और वी कैन से बाय 100। एंड अब इसका मीनिंग क्या है भाई, टेक एग्जांपल। लाइक सपोज वी हैव टू राइट 10% को, 10% को कैसे लिख सकते हैं। सो 10% इज 10/100, 10/100 परसेंटेज मीन्स बाय 100 और पर 100। द वैल्यू वैल्यू पर 100 पर 15%, हाउ मच, 15/100, 15/100 पर 30%, 30/100। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। आई होप अब आपको बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज पता चल गया होगा। परसेंटेज मींस बाय 100, डिवाइड बाय 100 मींस दैट बाय 100 करना है मुझे। अब बढ़ते हैं आगे। तो परसेंटेजेस टॉपिक में हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का याद करने की जरूरत पड़ती है सो डैट हम कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सके और अपना क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस फास्ट कर सके। सो अब कितना फ्रैक्शन वैल्यू और कितना, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू तो बहुत है, इनफाइनाइट है, लेकिन हमको सारे लर्न करने की और रिमेम्बर करने की नीड नहीं है। सो जितना सफिशियंट है फॉर द MBA क्वांट पर्पस के लिए उतना ही मैं आपको बताऊंगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो ये आता है इतना फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेजेस का हमको याद करना है और लर्न करना है। अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या वैल्यू ड्राइव हुआ है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों हमको याद करने की जरूरत है। सो अब देख लेते हैं 50%। अभी लास्ट स्लाइड में मैं बताया था कि 50% मतलब 50/100। सो 2, सो 1/2। सेम अगर जैसे 33% है तो 33.33/100। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 आता है। फिर 25% को 25/100 लिखेंगे, 25 × 4 = 100, सो 1/4। इसका ये बेसिक, ये मतलब यहाँ से ये ड्राइव होके आया है फ्रैक्शन वैल्यू में। सेम सारे ऐसे ही है, नो नीड टू राइट डाउन ऑल दोज परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन। बस आपको ये दो तीन समझा दिया, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सारे कैसे आए हैं। अब इसका वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है और कहाँ पे यूजेस होगा, सो वो चीजें को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, लेट सपोज 50% का यहाँ वैल्यू 1/2 है। अब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसका मीनिंग ये है कि 2 का 50% 1 होगा, 50% ऑफ 2 1। ये तो ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 का 50% हाफ होगा, सॉरी 1 होगा, हाँ मतलब इसका हाफ तो 1।
अब देखो सेम वैसे ही कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ये वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे 16.66% का 1/6 है, इट मीन्स दैट 6 का 16.66% 1 होगा। 16.66% ऑफ 1 इज 16.66% ऑफ सॉरी 6 इज 1, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। अगर जैसे यहाँ पे 1/7 14.28, इट मीन्स दैट 14.28% ऑफ 7 इज 1। सेम वैसे ही 8 का 22.25% ऑफ 8 इज 1। सो ये इसका मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग होता है। अब देखो थोड़ा सा चीजें को और हम लोग डीप डाउन करते हैं, डीप ड्राइव करते हैं। अभी यहाँ पे इतनी सारी तो चीजें हैं, अब आपके मन में ये भी आता होगा कि हाँ अगर कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गया तो क्या कर सकते हैं। सो करना कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम फ्रैक्शन परसेंटेज में ही ब्रेक करेंगे, और इसी परसेंटेज में ब्रेक करेंगे, जो ये परसेंटेज है ना इसी में ब्रेक करने का हम ट्राई करेंगे, और उसका वो फ्रैक्शन वैल्यू लेके उस चीजों को सॉल्व करके हम फ्रैक्शन वैल्यू ड्राइव करेंगे। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 75% सेवेंटी फाइव परसेंट ओ सॉरी हाँ, तो 75% वैल्यू ले लेते हैं। अब 75% तो मुझे पता नहीं है, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ 75/100, इसको हम लोग किए 103/4, सो 3/4, ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इजिली। लेकिन हम थोड़ा इस वे से चलते हैं, मतलब कि परसेंटेज को हम ब्रेक किए और फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, ताकि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू हो वहां पे आसान, मतलब चीजों को हम समझ पाए कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि 75 तो बहुत इजी वैल्यू है, नो नीड टू डू ऑल दिस ब्रेक इन टू द फ्रैक्शनल परसेंटेज में। तो अभी जैसे 75 है, अभी आप यहाँ पे देखो किस में ब्रेक कर सकते हैं, 50/25 में ब्रेक कर सकते हैं, और किसी में कर सकते हैं क्या, मतलब और कर सकते हैं लेकिन बहुत होगा, लेकिन 50 और 25 इजीली समझ में दिख रहा है तो उसमें ब्रेक करते हैं। तो 50% ये 25%, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1.2, इसको ऐड करेंगे तो 75 होगा, प्लस 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1.4। अब सॉल्व, 4 2 + 1 सो 3/4 सेम। तो अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आया, ये जो कुछ 16 17 है इसमें से कोई डिफरेंट वैल्यू आया, कोई डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू आता है, तो हम उसको ब्रेक करके इसी में से कोई दो वैल्यू में से ब्रेक करेंगे और उसको फ्रैक्शन वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। कुछ और एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। जैसे जैसे लेट सपोज कि जो मतलब फ्रीक्वेंट वैल्यू है जो आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में, वही वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर एग्जामिनर चाहे तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन वैसे वैल्यू आते नहीं है जनरली, क्योंकि कैट जैसा एग्जाम है तो एग्जामिनर को पता है कि भाई टाइम का कंस्ट्रेंट है, हम कुछ भी नई वैल्यू दे सकते हैं। अगर उनको लगे, उनको ये है कि मुझे क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाना है, तो कुछ भी वैल्यू दे देंगे, कुछ भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे देंगे, आप कैलकुलेट करते बैठो, लेकिन उनको ऐसा करना थोड़ी ना है। उनको तो है कि हाँ आप सॉल्व भी करो, एग्जाम क्रैक भी करो, वो फेल होने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ स्टूडेंट को फेल ही करना है, पास करना है भी तो है, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। अब एक समझ लेते हैं कि 37.25%, अब देखो 37.25% लोग इसमें ब्रेक कर सकते हैं, 12.25%, या फिर 50 में से 12.25% सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अभी हम पहला लेते हैं कि 25% प्लस 12.25%, सो 25% इज 1/4 एंड 12.25% इज 1/8, सॉल्व दिस, टेक एलसीएम, 8 2 + 1 सो 3/8, सो 37.25% फ्रैक्शनल वैल्यू इज 3/8। अब ऐसे ही यू कैन फाइंड आउट अनदर परसेंटेज वैल्यू। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि
इसका एक तो इसका सिग्निफिकेंस मैं बता दिया, अब इसका यूजेस हम कैसे करें, सिग्निफिकेंस पता चल गया, यूजेस अब हम कैसे करें तो वो समझते हैं। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे इसका मैं दो तीन दो एक दो यूजेस एकदम फ्रीक्वेंट बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में आता है कि सपोज ए इज 25% मोर, जैसे मान लो कि ए का इफिशियंसी, जैसे टाइम एंड वर्क का, ए का इफिशियंसी इज 25% मोर देन बी। अब यहाँ पे 25% है, अब ए का वैल्यू बी से 25% ज्यादा है, सो मुझे पता है कि 25% क्या होगा, 1/4। सो इफ आई वुड हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ ए और बी, सो हम लोग बी का कौन सा वैल्यू एज्यूम करेंगे कि ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी बने मुझे। सो ये पता है कि 25% मोर है, सो बी प्लस बी इंटू 1/4 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 1/4 से मुझे पता चल गया कि बी को हमको 4 का मल्टीपल एज्यूम करना है, तभी जाके मेरा कैलकुलेशन इजी होगा। तो यहाँ पे एक चीज है इजी कर देता है, तो हम बी का वैल्यू कुछ 4 ले सकते हैं, 8 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 20 ले लेंगे, जो भी मन करे 4 का मल्टीपल वो ले लेंगे। फिर ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, जैसे 4 का 25% इंक्रीमेंट है तो 5, 8 का 25% इंक्रीमेंट 10 हो जाएगा, आई थिंक 25, 1/4, 5/4 इंटू, हाँ 10 हो जाएगा। सेम वैसे ही आगे आगे, तो देखो एक सिग्निफिकेंस यहाँ आता है कि कभी जब क्वेश्चन में रहता है कि द पर्सन वन इज 25% मोर देन बी, और समथिंग लाइक द स्पीड ऑफ व्हीकल ए इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ व्हीकल ए, सो वहां पे जो हम लोग वैल्यू एज्यूम करते हैं, या तो हम वैल्यू जो एक न्यूमरिक वैल्यू लेते हैं ये, या फिर जो वेरिएबल लेते हैं कि जो हम एक्स में, तो हम प्योर एक्स में ना लेकर हम कुछ वैल्यू लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो, जैसे 4x ले लिया या फिर कुछ ले लिया, जैसे परसेंटेजेस एंड इसमें हम 100 लेते हैं, बहुत ज्यादा जगह पे 100x वैल्यू लेते हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो। सो उस केस में ना जब ये पता रहता है तो हमको वैल्यू एज्यूम करने में इजी होता है, तो यहाँ पे एक यूजेस हो जाता है। अब दूसरा यूजेस क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई वैल्यू दिया, जैसे लेट सपोज कि ए का सैलरी ईयर वन में 500 था, अब ए का सैलरी ईयर टू में 20% से बढ़ रहा है, तब हम क्या करेंगे। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू है, लेकिन मैं इसको जिस वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी जिस जिस तरीके से हमको करना है आगे उस वे में मैं बता रहा हूँ ताकि ये इजी वैल्यू आपको समझ में आए। सो जैसे 500 का 20% इंक्रीमेंट करना है, एक जो कन्वेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 500 प्लस 500 का 20%, सॉल्व कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल, सो 500 प्लस 25 जा 100, सो हाउ मच, 600। एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि 500 इंटू, जैसे 20% है तो इसको हम 1.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 आ जाएगा। मतलब देखो सारे वैसे ही हैं, मतलब सारे ऐसे ही हैं कि जैसे हाँ सॉरी, तो ये जो ये आया ना वो सेम ही है, मतलब रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो ये मैंने लिखा, सपोज 500 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, यहाँ 1 प्लस 500 कॉमन ले लिया, सो 20/100, सो 5, सो 500, 5 प्लस 1 6/5। अब इसको मैं करता हूँ, सो 500 इंटू 1.20, देखो यहाँ पे आया। तो बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, कि रिप्रेजेंटेशन अलग इसलिए है क्योंकि टाइम हमको बचाना है, ये हम इतना सॉल्व करेंगे दो स्टेप, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया, तो स्टेप को बचाने के लिए हम लोग ये चीजें डायरेक्ट
जो आते हैं वॉइड लूप वो यूज करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड होते हैं एक तरीके से वो यूज करते हैं। अब आते हैं तीसरा जो हम लोग करते हैं मोस्टली फ्रीक्वेंटली, और वो इजी भी है क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू है। अगर कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट वैल्यू आ गया, जैसे कि 143 आ गया, अब इसमें हमको इंक्रीमेंट करना है कितना से, कि मान लो कि 9.09% से इंक्रीमेंट करना है, तो क्या करेंगे इसको 143 × 1.909 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, कैट में तो ठीक है लेकिन और सारे एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है, तो कैसे यूज कर पाएंगे। तो इस चीजों से बचने के लिए हम लोग ये फ्रैक्शन का, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि इसको यूजेस कैसे करना है, उस लिए हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं। तो अब आते हैं उस वाले मतलब फ्रैक्शन के यूज पे। तो अब देखो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल बेसिक सा, ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो कि 100 में मैंने 50% का इंक्रीमेंट किया, आपको पता है कि 100 में 50% का इंक्रीमेंट किया तो ये वैल्यू आएगा 150, नो नीड टू चेक एंड ऑल। अब मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो इसलिए इजी वैल्यू लिया ताकि आपको समझ में आए और यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी आप कर लो। तो अब देखो क्या है, 50% 50% 50 सॉरी 50% ओके नो प्रॉब्लम। सो लेट सपोज कि 100 में 50% का इंक्रीमेंट करना है, सो वैल्यू विल बी 150। अब वो मेथड हम लोग लर्न करते हैं कि कैसे ये 150 आए और डायरेक्ट डायरेक्ट जो हम को मेथड अप्लाई करना है, बाकी सारे मतलब जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज का आए वहां पे सभी। देखो 50% इक्वल टू 1/2, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस, कि 50% ऑफ 2 इज 1। इट मीन्स डैट अगर लेट सपोज कि 2 में मैं 50% का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, सो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 का 50% 1 है ना, तो ये 3 होगा। अगर 2 में 50% का इंक्रीमेंट किया सो 3 हुआ। लेट सपोज यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं कि 1 में 50% का इंक्रीमेंट किया तो कितना होगा, 3/2, मतलब यूनिटरी मेथड 2 1 ये 50%। तो सेम वैसे ही 100 में, सॉरी हंड्रेड में 50% का इंक्रीमेंट किया सो कितना होगा, सो 3/2 × 100। सिंपल यूनिटरी मेथड, ये आपको पता होगा यूनिटरी मेथड सिंपल बेसिक है। सो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना होगा 150। सो देखो 150 यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया। अब देखो इतना सारा जो चीजें मैंने किया ना, ये आपको करने की नीड नहीं है, बस आपको क्या करना है कि लेट सपोज कि कोई भी एक नंबर है, मतलब जैसे मान लो ये वाला 100 वाला एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे 100 में 50% का इंक्रीमेंट है तो 50% मेरा 1/2 होगा। तो जब इंक्रीमेंट की बात आती है ना, तो ये हम ये जो 2 है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये 1 will becomes 3/2। अब ये जो 3/2 हो गया, मतलब कि जो 2 वैल्यू था उसमें 50% इंक्रीमेंट किया तो वो 3 बन गया, जो 2 वैल्यू था उसको 50% इंक्रीमेंट किया तो ये 3 बन गया। सो वैसे ही जब 50% इंक्रीमेंट करेंगे 100 में तो कितना होगा, सो सिंपल इसको क्या करना होता है,
सॉरी। सो अब 100 में 50% का इंक्रीमेंट करना है तो क्या होगा, तो सिंपल 100 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो व्हाट विल बिकम 50, सो 150। मतलब जो जिसमें इंक्रीमेंट करना है, जैसे 50% है तो 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर वाले में ऐड कर लेंगे, और जितना नंबर आएगा उसमें जो नंबर में इंक्रीमेंट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि 143, 143 में 9.09% का इंक्रीमेंट करना है, सो 9.09% कितना होगा, 1/11। अब मुझे इंक्रीमेंट करना है, सो क्या करेंगे, 11 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 12/11। अब नंबर कौन सा है, 143, जो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने टेबल किया हो तो पता होना चाहिए कि 11, 143, 13 होता है, 11 × 13 = 143, सो दिस विल बी। अब यहाँ भी टेबल का, अगर टेबल आपने लर्न किया है 1 to 20, जो मैंने बेसिक मैथ में बताया है कि आपको क्या क्या चीजें लर्न करनी है, उसमें मैंने टेबल बताया था, सो 12 × 13 = 156, 156, सो आ गया सेम आंसर इसका। तो देखो यहाँ पे, अब हम सब डायरेक्ट करना था तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मुझे पता था कि 9.09 1/11 होगा, 9.09 1/11 होगा, सो सिंपल मेरे माइंड में चल रहा है कि हाँ 9.09 1/11, तो 11 और 1 ऐड करेंगे, सो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 11, और 143 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना सिंपल हो गया, नहीं तो यहाँ पे मतलब अगर सिंपल हम ये ऐसा लगाते, जैसे 143 × 1.909, अब यहाँ कैलकुलेशन करते बैठो, यहाँ पे सिंपल 13, 12, 13, 156, सिंपल हो गया। तो ये यहाँ पे चीजें आसान कर देता है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि, जैसे कौन सा ये इसका ले एग्जांपल कुछ, जैसे 70 में मान लो कि 14.28 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 70 में 14.28 का इंक्रीमेंट करना है। अब आप ये भी सोचोगे कि हाँ मैं इसका मल्टीपल ही ले रहा हूँ क्यों, तो देखो गाइज क्या होता है ना, कैट जैसे एग्जाम में ना एग्जामिनर भी वैसा ही वैल्यू देता है कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो, वो आपको ऐसा वैल्यू नहीं देगा कि जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही ना, ये अपने मन से निकाल दो कि कैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। आप गलत कर रहे हो उसको समझ के कि कैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस स्ट्रेटजी फॉलो करना है, एकदम आराम से निकल जाएगा। और क्वांट में भी ऐसा ही सेम, क्वांट भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेटजी फॉलो करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक देने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, नथिंग एल्स। वैल्यू अगर सेम वैसे ही डिजाइन किया जाता है क्वेश्चन में कि ताकि वो कटे इजीली, ऐसा ना हो कि मतलब कटे ही ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज करना पड़े, सब चीजें करना पड़े, वैसा कैट कभी करता नहीं है और ना किया है, और ना आई थिंक करेगा भी, इसलिए मैं उसका मल्टीपल वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 70, 14.28, अब पता है कि 14.28 1/7 है, यहाँ पे 14.28 1/7 है, सॉरी पता नहीं कुछ इशू चल रहा है, टेक्निकल इशू। सो अभी मुझे इसमें 14.28 का इंक्रीमेंट करना है, सो 14.28 1/7 अभी इंक्रीमेंट करना है, सो व्हाट विल डू, 7 जस्ट ऐड, सो 18/7, अब जस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 70, सो हाउ मच विल बी 80। देखो कितना इजी हो गया, मुझे डायरेक्ट ये दो स्टेप में कहानी क्लियर हो गया। अभी और कुछ एग्जाम्पल ले, या फिर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज करना गाइज कि आप खुद से कोई नंबर लेना और उस नंबर से खुद से प्ले करना कि हाँ उसमें 25% बढ़ा दिया तो क्या वैल्यू आया, 16.66% बढ़ा दिया तो क्या वैल्यू आया, जैसे 8.33% इंक्रीज किया तो व्हाट विल बी द वैल्यू। सो ऐसे व्हेन यू प्ले विद द नंबर ना, यू विल गेट बेटर क्लियरिटी लाइक हाउ द ऑल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्ले विद द नंबर, टेक द एनी वैल्यू, ऐसा
जरूरी नहीं है अभी के लिए कि मल्टीपल ही लो, कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी इंक्रीमेंट कराओ परसेंटेज का, लेकिन कराओ कुछ भी। सो आई थिंक आई आई एम होपिंग दैट दिस इज अ क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं कि और कुछ जो परसेंटेज इसमें टर्मिनोलॉजी है कि वो चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये है कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमें, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मुझे पता होना चाहिए। जब जब मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पे ये आता है इस पे, और DILR में भी, मतलब DI में स्पेशली आते हैं कि हाँ कि जैसे कोई सिटी का पॉपुलेशन 2008 में इतना था, 2020 में इतना हुआ, सो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ एंड ऑल। तो ये चीजें आती है DI में स्पेशली, LR में तो नहीं, DI में आती है और प्रॉफिट लॉस में भी रहता है। तो ये चीजें मुझे समझने की जरूरत है कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अब देखो भाई, समझते हैं पहला कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। इसका सिंपल एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला नहीं मतलब जो वेरिएबल में मैंने ब्रेक किया है उसको हम कैसे लिखेंगे। सो एक्स एक्स इज मल्टीप्लाई व्हाट परसेंट इसका वाई का, सिंपल एक्स इज व्हाट परसेंट, परसेंट मीन्स 100, व्हाट मल्टीप्लाई किया वाई का। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कैट का एग्जाम हुआ, उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, पर 198 छोड़ देते हैं अभी के लिए, 100 मार्क्स लेते हैं, और मेरा आया उसमें 55। ऐसे 100 नहीं लेते हैं, कुछ और वैल्यू लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा तब वो एकदम डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। जैसे लेते हैं कि 150, जैसे 150 वैल्यू लेते हैं, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो लेट सपोज कि कैट का एग्जाम हुआ, 150 का हुआ, उसमें हमने लेट सपोज कि मैंने 65 मार्क्स स्कोर किया। अब 65 तो मार्क्स है, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, मतलब मैंने कितना परसेंटेज मार्क्स गेन किया कैट एग्जाम में। सो क्या है, यही है ना कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, इट मतलब सिंपल 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। तो 65 बाई 150 इंटू 100 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये हुआ 13 5 जा 65, 3 5 जा ये हुआ, सो 130 बाई 3 मीन्स 4 3 जा 12 10, सो 43.33% मैंने मार्क्स गेन किया। सिंपल है, ये हमने बचपन में सीखा है स्कूल डेज में, तो वही यूटिलाइजेशन है यहाँ पे, बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में आ गया, तो यू माइट गेट कंफ्यूज, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सो आई होप ये फर्स्ट आपका क्लियर हुआ टर्मिनोलॉजी क्या है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको ऐसे ही रखा हूँ, ये अगर आपको नोट्स बनाना होगा सो यू कैन राइट इट डाउन। अब सेकेंड लेते हैं कि एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई। देखो गाइज, इसका समझो मीनिंग कि क्या है कि एक्स कितना परसेंट ज्यादा है वाई से, यहाँ कंपेयर हो रहा है वाई से। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जब भी कभी ऐसा आए कि हाँ कि पर्सन वन इज हाउ मच परसेंट मोर देन द पर्सन बी इन टर्म्स ऑफ इनकम हाइट एंड व्हाटएवर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जिस पर्सन से कंपेयर होता है ना वो वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। ओके सो अब यहाँ पे एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द वाई, इट मीन्स दैट वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू विथ वाई। सो
डिनोमिनेटर में हम वाई वैल्यू रखेंगे। अब एक्स इज व्हाट परसेंट मोर, अब एक्स कितना ज्यादा है, तो बेसिक यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे इसका और मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज दैट एक्स का वैल्यू 150 है और वाई का वैल्यू 30 है। अब यहाँ पे हुआ कि एक्स इज मतलब 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, तो सिंपल हम लोग वाई से कंपेयर कर रहे हैं, सो 30 विल बी इन डिनोमिनेटर एंड वी हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 फोर जा सो 400, 400%, सो एक्स इज 400% मोर देन द वाई। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो आई होप डेट ये आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, परसेंटेज इनकी नहीं, थर्ड से पहले फिफ्थ देख लेते हैं क्योंकि ये सेम लाइन पे इंक्लाइंड है, बस यहाँ पे लेस देन है। तो इसको हम लोग समझते हैं, बस करना कुछ नहीं है, ये जो है ना सेम चीज है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा ये वैल्यू फॉर्मूला जो है, ये वाला जो मैंने लिखा है ये सेम यहाँ पे भी होगा इसके लिए भी, कि हाँ एक्स माइनस वाई मतलब यहाँ पे वाई माइनस वन हो जाएगा क्योंकि इसका सपोज मॉड ले लो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। अब मॉड मॉड का एक सिंपल मीनिंग होता है कि इस अंदर में जो भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू क्यों ना हो, बस अभी के लिए इतना समझो। और भी कुछ कुछ मीनिंग होते हैं जब आप मॉड भरोगे तो उस टाइम समझ लेना। तो अभी इसका एक वैसे ही सेम उसका सेम एग्जांपल लेते हैं एक को, कि एक्स इज व्हाट परसेंट, लेट्स सपोज एक्स का वैल्यू 70 है, वाई का वैल्यू मान लो 500 हो गया, नो 500 इज अ टू बिग वैल्यू, सो लेट्स सपोज कि 80 ले लेते हैं छोटा सा वैल्यू। अब एक्स इज व्हाट परसेंट, 70 इज व्हाट परसेंट लेस देन द 80, सो हम कंपेयर कर रहे हैं 80 से, सो डिनोमिनेटर में 80 आएगा, अब इसका डिफरेंस 10 आएगा, कर देंगे कैंसिल आउट, सो 100 बाई 8 व्हाट विल बी द वैल्यू, 100 12.9640, सो 12.5% लेस है, 70 इज 12.5% लेस है। अब ये भी सिंपल है कि आपको मतलब यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हाँ कि 12.25% जब 70 से, नहीं नहीं ये हाँ नहीं ये तो 12.25% है, सॉरी 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 माय बैड। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक। और जैसे मैं इसमें बताया था कि आप नंबर से प्ले करो, यहाँ भी आप कुछ अपने हिसाब से कुछ वैल्यू लो उससे नंबर से प्ले करो, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो। अब आते हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे, कि कितना परसेंट इंक्रीज और कितना परसेंटेज डिक्रीज। लेट्स टेक एग्जांपल कि लाइक ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 100 और बी का वैल्यू ले लेते हैं 120, सिंपल बेसिक एग्जांपल। अब है कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ वैल्यू, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा कि जैसे मान लो सैलरी है ए का 2010 में 100 रुपीज, अब सैलरी ए का 2011 में हो गया 120 रुपीज। सब क्वेश्चन ये है कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज इंक्रीज। तो इसमें क्या होगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2010 के वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हैं ना कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ गया, हम कंपेयर तो इसी से कर रहे हैं ना कि 2010 से कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 2011 वाला वैल्यू, मतलब 100 से कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, सो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखा, और डिफरेंस इसका हम लेते हैं, सो व्हाट विल डिफरेंस 20 into 100, सो 100 100 गॉट कैंसिल आउट, तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और आप एग्जांपल लो, खुद से एग्जांपल लो,
जिस कंपेयर करो उसको डिनोमिनेटर में रखो और न्यूमिनेटर में डिफरेंस दोनों का वैल्यू ले लो और मल्टीप्लाई बाय 100, आपको परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। अब लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज, सेम सैलरी का एग्जांपल लेते हैं कुछ अलग वैल्यू पे, कि मान लो कि इसका सैलरी था 250 रुपये, कुछ इशू हुआ उसका सैलरी प्रमोशन मतलब इंक्रीज होने के बजाय घटी गया, लेट सपोज कि 225 हो गया सैलरी, 25 रुपये का 25 रुपये उसका सैलरी घट गए। अब यहाँ पे है कि कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ सैलरी में उसके, तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, 250 से, 250 से ही कंपेयर कर रहे हैं ना कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। 250 विल बी इन डिनोमिनेटर एंड इन न्यूमिनेटर व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ 2010 एंड 2011, तो व्हाट इज द डिफरेंस, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2500 कैंसिल आउट, सो 10% का डिक्रीमेंट हुआ। सो 2000 सैलरी 2010 के सैलरी जो है 2011 के सैलरी में 10% का डिक्रीमेंट हुआ। आई होप ये क्लियर होगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के हो जिस चीजों से हम कंपेयर कर रहे हैं ना वो डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल देना, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं जिस वैल्यू से उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में रख देना, ऊपर में डिफरेंस रख देना, बस इतना ध्यान रखो बाकी सब सॉर्टेड है। अब आते हैं कि थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले होते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में, ये बेसिक है, कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो मतलब फॉर्मूले नहीं एक तरीके से ट्रिक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको ट्रिक लर्न करने की जरूरत है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है ट्रिक्स में, क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं ना एक पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए ही वैलिड होते हैं, सभी के लिए वैलिड नहीं होते हैं। लेकिन हम जब हम किसी ट्रिक को लर्न करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो ट्रिक को सभी जगह अप्लाई करें, उस कंडीशन में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन हाँ, ट्रिक्स को लर्न करना जरूरत है कि हम ये भी मतलब ऐसा भी रहे कि हाँ कि जैसे उस टाइप का पार्टिकुलर क्वेश्चन आया तो वहां पे वो ट्रिक हम अप्लाई कर सके, उस कंडीशन में ट्रिक लर्न करने की जरूरत है, जो कि हम किसी सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको ध्यान में रखना, लर्न कर लेना, इसमें कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट में इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट जो यहाँ पे ये प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, अगर हम परसेंटेज कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट और परसेंटेज में इनटू 100 करते हैं, परसेंटेज लॉस में लॉस इनटू कॉस्ट प्राइस सॉरी डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है कि हाँ एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, सो ये सीपी पे कुछ बढ़ के होता है मार्क प्राइस, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बेटर क्लैरिटी होगी कि हाँ कैसे मार्क प्राइस किया गया और कैसे एसपी हुआ, वो सभी चीज आपको बेटर क्लैरिटी होगी व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, ये मैंने एक आपको क्वेश्चन लाया है प्रैक्टिस के लिए, कि जो परसेंटेजेस मैंने सिखाया है, जो यहाँ ये जो फ्रैक्शन वैल्यू मतलब ये वाली फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको आप यहाँ पे यूज करो। ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालो आप, मैं देखूँगा कि कितने मतलब लोगों ने सही आंसर किया और कितने लोग गलत, और मैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, या तो एक मैं छोटा वीडियो बना दूंगा या फिर रिटेन में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इसी तरफ के कॉन्सेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फील दैट माई कॉन्टेंट इज रियली हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।